ऐसी कौन सी भारतीय कंपनी है जिसके 180 से ज्यादा कंट्री में 10,000 से ज्यादा ऑफिस हो? टाटा ग्रुप ना, मोटा भाई ना, अडानी बिरला, अरे छोड़ो। सही आंसर है कि ऐसी कोई भारतीय कंपनी है ही नहीं। लेकिन जो काम देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो कई पीढ़ियों से व्यापार कर ली है वो नहीं कर पाई, वो काम एक ही व्यक्ति ने अपने लाइफ टाइम में करके दिखाया। क्योंकि ये व्यापार नहीं करते, ये बस प्यार करते हैं। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में से एक, श्री श्री रविशंकर जी। इन्होंने 1981 में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की शुरुआत की और लोगों को मेडिटेशन और इनकी सुपर इफेक्टिव सुदर्शन क्रिया सिखानी चालू की। और आज मात्र 43 सालों के अंदर अंदर 50 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति इनकी सेवाएं ले चुके हैं। इनके पूरे भारत में 15 से ज्यादा आश्रम है और 180 से ज्यादा कंट्री में 10,000 से ज्यादा सेंटर में काम कर रहे हैं। और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हायर नहीं कर रखे, ये पूरा बिजनेस चल रहा है वॉलेंटियर्स के दम पे, जो स्वयं सेवी है और वॉलेंटियर के बेस पे चलने वाला वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, आर्ट ऑफ लिविंग है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई, किसने की, ये करता क्या है, ये इतना बड़ा संगठन बना कैसे, इतना बड़ा एम्पायर मैनेज कैसे होता है, इनकी इनकम कैसे आती है, ये खर्चा कहाँ पे करते हैं, और कैसे एक भारतीय वसुदेव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट पे पूरे विश्व को एक साथ जोड़ रहा है, सब बताएगा रे आपका राहुल। तो अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग के स्टूडेंट हो, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हो, कभी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, कभी आर्ट ऑफ लिविंग का कोई प्रोग्राम अटेंड किया है या आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सुना है, और अगर आप इसको पहली बार भी सुन रहे हैं, तो देखिए एक एनजीओ कैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट पे भारी हो रहा है, क्या मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, क्या मार्केटिंग है, क्या फाइनेंस है, सब सीखने को मिलेगा यही। इस वीडियो को अगर भरपूर प्यार मिला तो देश के अलग अलग एनजीओ के बारे में डिटेल केस स्टडी लेके आएंगे और आपको बहुत सारे फैक्ट बताएंगे। तो भाई साहब वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ने की आज्ञा दो। तो जनता जनार्दन की जय बोल के और जय गुरुदेव बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। आर्ट ऑफ लिविंग है क्या और ये करता क्या है? तो बहुत से लोग जो आर्ट ऑफ लिविंग को मतलब दूर दूर से जानते हैं, वो ये कहते हैं अरे एक एनजीओ है जो योगा मेडिटेशन सिखाता है, और ज्यादातर बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जाते होंगे और क्या। लेकिन भाई ये तो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है, जितना दिख रहा है उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ये मल्टीपल चीजें कर रहा है, ये जीने की कला सिखा रहा है और ये अत्र है तत्र है सर्वत्र है। एक समरी बता देता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग 57 तरीके के कोर्स ऑपरेट करता है। आर्ट ऑफ लिविंग इंडियन कल्चर को भी प्रमोट करता है, ये फ्री स्कूल भी ऑपरेट करता है, ये एनवायरनमेंट के लिए काम करता है, ये विश्व की शांति के लिए काम करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है और इसने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं इन सभी चीजों को, फिर देखेंगे ये इतना बड़ा कैसे बना और ये मैनेज कैसे होता है। तो शुरू से शुरू करते हैं, कौन है श्री श्री रविशंकर जी। श्री श्री रविशंकर जी को प्यार से आर्ट ऑफ लिविंग वाले गुरुजी बुलाते हैं, तो हम भी गुरुजी बोल के शुरुआत करेंगे। गुरुजी का जन्म 1956 में दक्षिण भारत में कहीं हुआ और मात्र 4 साल की उम्र में गीता के श्लोक याद हो गए थे। इन्होंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है, इनकी डिग्री फिजिक्स में भी है और इनकी डिग्री वैदिक लिटरेचर में भी है। 1982 में ये 10 दिन के साइलेंस में गए और इनको वहां पे सुदर्शन क्रिया प्राप्त हुई, और जैसे इनको सुदर्शन क्रिया मिली ये तुरंत इसको वर्ल्ड को सिखाने के मिशन पे लग गए। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है क्या, गुरुजी को जब ये मिली क्रिया उन्होंने कहा भाई साहब पूरे विश्व को इस क्रिया से जोड़ना है, तो उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन नामक एनजीओ की स्थापना की। तो जर्नी शुरुआत हुई एक व्यक्ति से, एक मिशन से और मात्र एक कोर्स से। उस समय हुआ करता था हैप्पीनेस कोर्स, जिसका उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया सिखाई जाए। और वो एक व्यक्ति से ये संगठन इतना बड़ा हो गया कि आज भारत में 15 आश्रम है और पूरे विश्व के 180 देशों में 10,000 से ज्यादा सेंटर है, 35,000 से ज्यादा टीचर हैं और 50 करोड़ से ज्यादा लोग इनसे जुड़ चुके हैं। अब ये सब हुआ कैसे, इतना बड़ा संगठन बना कैसे, ये सब बातें डिटेल में बताते हैं, साथ में गुरुजी से जुड़े हुए 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो भाई साहब अंत तक बने रहना। तो साहब ये संगठन इतना बड़ा कैसे हुआ, सर जी बताओ एक बिजनेस बड़ा कैसे होता है। बिजनेस में होता है या तो अपने प्रोडक्ट बढ़ा दो, या फिर भाई साहब आप एरिया बढ़ा दो, या फिर आप अपने चैनल बढ़ा दो, यही स्ट्रेटेजी सब जगह लगती है। बस बिजनेस में और यहाँ पे डिफरेंस है, बिजनेस को चाहिए प्रॉफिट और यहाँ चाहिए प्यार। सबसे पहला स्टेप मोर प्रोडक्ट मोर कोर्सेस। सबसे पहले सिर्फ एक ही कोर्स पढ़ाते थे, हैप्पीनेस कोर्स, इसमें सभी एज ग्रुप के लोगों को सिखाया जाता था। फिर इनको रियलाइज हुआ कि भैया युवाओं को जोड़ने के लिए कुछ अलग प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया हैप्पीनेस प्रोग्राम फॉर यूथ, ये स्पेशली यूथ के लिए हुआ करता था, तो एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। फिर इन्हीं में से कुछ लोग बोले कि सर जी ये तो बेसिक लेवल का मेडिटेशन है, हमको एडवांस लेवल पे जाना है,
तो 3 दिन का एडवांस कोर्स लॉन्च हुआ जहां पे भाई साहब 60 घंटे का मौन रखा जाता है। एक कोर्स और बढ़ गया। अब ये सारे कोर्सेज हो रहे थे मेंटल मजबूत बनाने के लिए, इमोशनली मजबूत बनाने के लिए, फिजिकल मजबूत बनाने के लिए क्या करें। तो शुरुआत हुआ श्री श्री योगा लेवल 1, फिर सक्सेसफुल हुआ तो बना लेवल 2, फिर सोचा कि अरे तो शहरी लोग जुड़ रहे हैं, रूरल एरिया को जोड़े, तो एक प्रोग्राम चालू किया YLTP, फिर बच्चों के लिए एक इंट्यूशन प्रोग्राम चालू कर दिया, फिर कहा कि अरे बिजनेसमैन रह गए तो कॉर्पोरेट्स के लिए एक और कोर्स लॉन्च कर दिया, और धीरे धीरे करके आर्ट ऑफ लिविंग यूनिवर्स में हो गए टोटल 57 कोर्सेस जो हर उम्र में हर एरिया के और हर तरह के लोगों को कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं मोर मार्केट की। हम बात करते हैं यार, योगा मेडिटेशन है, भारतीय आदमी है, इंडिया में ही सिखाएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग का पहला कोर्स 1983 में स्विट्जरलैंड में सिखाया गया था, फिर उसके बाद ये 86 में अमेरिका में हुआ। तो पहले दिन से ही तय था कि भाई साहब इसको इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो जो चीज एक देश में होती 180 देशों तक फैल गई, तो बड़ा तो बनना ही था। अब आती है नेक्स्ट चीज, मोर चैनल। नॉर्मल बिजनेस क्या करता है कि यार मेरे को ज्यादा ब्रांचेस खोलनी है, गुरुजी अपनी ब्रांचेस थोड़ी खोल सकते हैं, फ्रेंचाइजी देनी है तो गुरुजी फ्रेंचाइजी थोड़ी दे सकते हैं, पर गुरुजी ने फ्रेंचाइजी दी। गुरुजी ने अपने स्टूडेंट को ट्रेन किया टीचर बनने के लिए, एक प्रोग्राम लॉन्च किया TTT, ट्रेन द टीचर, और इस प्रोग्राम के तहत 35,000 टीचर बनाए जो कि विश्व में 10,000 सेंटर पे रेगुलर बेसिस पे आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स लेते हैं, क्योंकि 50 करोड़ लोगों को एक व्यक्ति तो नहीं करा सकता था। तो गुरुजी ने एक तरह से पर्सनल लेवल पे अपनी फ्रेंचाइजी दी और ये लोग मिशन पे लग के इनके कोर्सेज को जनता तक पहुंचा रहे हैं। अब बात कर रहा हूं जी, इतना बड़ा संगठन है तो कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, यही तो बात है, एम्प्लॉय ज्यादा काम ही नहीं करते। इनके 35,000 जो टीचर है उसमें से कुछ पार्ट टाइम है कुछ फुल टाइम है, पार्ट टाइम वाले तो बिल्कुल पैसा नहीं लेते और फुल टाइम वाले भी नॉमिनल लेते हैं। ये वॉलंटियर्स ही मार्केटिंग में मदद करते हैं, यही जाके पूरे ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, तो भाई साहब बहुत ज्यादा पैसा लगता ही नहीं है, तभी तो ये विश्व का सबसे बड़ा वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग के मुख्य बैंगलोर आश्रम में जाएंगे, वहां जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, जितने भी सेवक काम करते हैं, वो सब सुबह पहले उठ के सुदर्शन क्रिया करते हैं, उसके बाद काम की शुरुआत करते हैं। तो योगा मेडिटेशन से जो एक पॉजिटिविटी होती है वो काम में देखने को मिलती है, आप वहां जाएंगे तो महसूस करेंगे। शाम के टाइम गुरुजी के जितने भी आश्रम है वहां पे नियमित रूप से सत्संग होता है, और सत्संग के दौरान वहां जितने भी एम्प्लॉई और वॉलंटियर है सब काम छोड़ के ताले वाले लगा के पहुंच जाते हैं सीधा सत्संग में। सब काम रुक जाता है, सब सत्संग होता है। तो जो एम्प्लॉई या जो वॉलंटियर रेगुलर बेसिस पे सत्संग कर रहा है, स्पिरिचुअल है, योगा कर रहा है, उसके काम की एफिशिएंसी आप देखिए। और जहां पे व्यक्ति पैसे से नहीं सेवा भाव से जुड़ा हुआ है, जिसको कोई जबरदस्ती नहीं है, वो स्वेच्छा से जुड़ा हुआ है, तो वहां KRA KPI ऑब्लिगेशन नहीं होता, वहां आदमी हर अपने मन से अपना 100% नहीं 200% देता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन अपनी पीक कैपेसिटी पे चलता है बिना ज्यादा पैसे लगाए। राहुल जी चलो टीम आ गई, लेकिन इसकी मार्केटिंग कैसे होती है? इनका जो सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल है वो है वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि जिसने एक बार सुदर्शन क्रिया कर ली वो इतना स्ट्रेस फ्री हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है, उसको इतने बेनिफिट मिलते हैं कि वो खुद भाग भाग के 5 आदमी 10 आदमी को बताता है। उसके अलावा भी क्योंकि मॉडर्न माहौल है, मार्केटिंग के सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी गुरुजी का अगर आप हैंडल देखेंगे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिला के 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा इनके फॉलोअर है। और ये भाई साहब डिजिटल फॉलोअर नहीं है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो नाम के इन्फ्लुएंसर है, गुरुजी तो रियल इन्फ्लुएंसर है। और इनका नजारा देखना है तो किसी लाइव इवेंट में जाए आपको पता पड़ जाएगा। अब बात आती है सर जी पैसा कहाँ से आता है, तो आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है। वो कहते हैं भैया पैसा बाहर से डोनेशन के रूप में मिल जरूर जाता है, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। इनके जो 57 कोर्सेज हैं मोस्ट ऑफ द कोर्सेज हैं पेड होते हैं, तो जहाँ पे एक नॉमिनल सी फीस मिल जाती है जिससे इनके बाकी के रूटीन और एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग ने अपनी खुद की प्रोडक्ट रेंज भी निकाली है, एक कंपनी इन्होंने बनाई है श्री श्री तत्वा नाम से, जो कि फेस वॉश साबुन और बाकी सारी FMCG के आइटम बेचती है ताकि कुछ रेवेन्यू वहां से भी आए और ये संगठन सेल्फ सस्टेनेबल रहे, इसको बाहर से दान लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इतने सारे भक्त हैं और काफी समृद्ध हैं तो दान भी ठीक ठाक आता है। तो सर जी दान आता है, कोर्स बिकते हैं, प्रोडक्ट बिकते हैं, अब सवाल आता है ये पैसा खर्च कहाँ होता है? तो सुनो साहब ये पैसा कहाँ खर्च होता है, ये पैसा खर्च होता है सर्विस प्रोजेक्ट पे। क्या क्या चीजें हैं एक एक करके सुनिए। आर्ट ऑफ लिविंग के 1262 फ्री स्कूल चलते हैं जिसमें 1,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, और मोस्टली ये स्टूडेंट वो हैं जो ग्रामीण इलाकों से है, आदिवासी इलाकों से है, और इनमें से मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे हैं जो जिंदगी में पहली बार स्कूल गए हैं, उनकी पीढ़ियों में कोई स्कूल नहीं है। दूसरा है पैसा खर्च होता है एनवायरमेंटल कॉज पे। अब तक आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से 70 से ज्यादा नदियों का जीर्णोद्धार हो चुका है, 8 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं, 18 वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट बना चुके हैं, और 2,200,000 किसानों को नेचुरल फार्मिंग कैसे करते हैं वो सिखा चुके हैं। उसके अलावा ये वर्ल्ड पीस के लिए और वसुधैव कुटुंबकम के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाते हैं। ये जितने भी अपराधी हैं जो जेल में बंद हैं उनके लिए भी विशेष कोर्सेस चलाते हैं कि भैया इनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो 65 कंट्रियों में
8 लाख से ज्यादा जेल के कैदियों को एक कोर्स करा चुके हैं। भारत में 100 से ज्यादा जेलों में 3.5 लाख कैदियों को कोर्स करा चुके हैं। अकेले तिहाड़ जेल में 70,000 कैदियों ने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया। ये वॉर जोन्स में शांति बहाली के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपने मूवी देखी होगी टाइगर जिंदा है, उसमें भाई साहब जो भी ISS था लड़कियों को गुलाम बना लेता था, ऐसी 2,500 से ज्यादा महिलाओं को आर्ट ऑफ लिविंग ने छुड़ाया है और उनका पुनर्वास करवाया है। इराक, जॉर्डन, लेबनान जहां पे युद्ध चल रहा है, वहां 16,000 से ज्यादा बच्चे जो कि युद्ध की विभीषिका से प्रताड़ित थे, उनके लिए विशेष कोर्सेस किए हैं और उनको पुनर्स्थापित किया है। यूएस में जितने भी सोल्जर्स हैं जो युद्ध से अफगानिस्तान, इराक में कई सालों से रह रहे थे और वापस आते हैं, तो भाई साहब उनको दोबारा स्थापित करने के लिए वेलकम होल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें जो सोल्जर लड़ने जाते हैं उनको सामान्य करने के लिए अलग से कोर्स कराए जाते हैं। कोलंबिया में 52 साल से सिविल युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को खत्म कराने में श्री शिवशंकर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए कोलंबिया का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान इनको दिया गया है। इनके प्रयासों से 700 से ज्यादा उल्फा आतंकवादियों ने सरेंडर किया है। मणिपुर में 68 से ज्यादा मिलिटेंट ने सरेंडर किया है। तो ऐसे व्यक्ति जो हथियार उठा लेते हैं उनको समझा बुझा के मुख्य धारा में वापस लाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो मुस्कान देके ये पैसे कमाते हैं और वो पैसा वापस मुस्कान देने में ही खर्च कर देते हैं। तो हमने ये देखा कि संगठन बड़ा कैसे बना, एम्प्लॉय कैसे मैनेज होते हैं, फाइनेंस कैसे मैनेज होता है, मार्केटिंग कैसे होती है। अब अपन जानते हैं श्री श्री रविशंकर जी के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो जो इनके फैन है, टीचर है, स्टूडेंट है, उनके लिए तो भाई साहब ये लॉटरी है। तो पहला फैक्ट, गुरुजी सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं। इनका दिन सुबह 4:30 बजे से चालू होता है और रात को सोते सोते 1 या 2 बज जाती है। ये दिन में हजारों लोगों से मिलते हैं और इनके शेड्यूल को मैनेज करने के लिए 5 सेक्रेटरी लगे हुए हैं। सेकंड फैक्ट, ये एक साल में मिनिमम 40 कंट्री ट्रेवल करते हैं और 6 महीने देश से बाहर ही रहते हैं। तीसरा फैक्ट, अब सोचो 40 कंट्री ट्रेवल करते हैं एक साल में और कितने सालों से ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनके पासपोर्ट पे जो ठप्पे लगे हुए हैं, इनके अगर पासपोर्ट को एक पे कर रखा दिया जाए तो पूरी शेल्फ, पूरा संदूक भरा हुआ रखा है। चौथा फैक्ट, US और कनाडा के 29 शहरों में श्री श्री रविशंकर दिवस मनाया जाता है, इनके नाम पे पूरा दिन डेडिकेटेड है। पांचवा फैक्ट, गुरुजी को 7 भाषाएं आती है और वीणा बजाना भी आता है। फैक्ट नंबर 6, गुरुजी के पास जब अपन कहते हैं ना कि डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, वर्ल्ड की 26 अलग अलग यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है, तो अगर ये डॉक्टर रविशंकर लगाना चाहें 26 बार लगा सकते हैं। विश्व के 4 देशों ने इनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है, कोलंबिया ने दिया है, मंगोलिया ने दिया है, पराग्वे ने दिया है और सूरीनाम ने दिया है। फैक्ट नंबर 8, अब आप सोच रहे हो इंडिया ने तो नहीं दिया, इंडिया ने इनको पद्म विभूषण दिया है। फैक्ट नंबर 9, इनको अलग अलग 55 गवर्नमेंट से अवार्ड मिले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फैक्ट गुरुजी के बारे में नहीं पर आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम के बारे में। आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम अगर आप आएंगे तो आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम का जो किचन है वो टोटल 18,000 square foot एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पे हजारों लोग डेली खाते हैं और भारत की जो मेगा किचन है उसमें ये शुमार होता है। वैसे तो गुरुजी की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे बोलूं तो भी सब कुछ नहीं बता सकता, पर जितनी कोशिश की, कितनी सफल हो पाई नहीं हो पाई, मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के फैंस, टीचर्स सब बताइए। और जिसने पहली बार सुना कि अरे यार इतना बड़ा काम करते हैं क्या, तो भाई साहब वो भी आपका शौक मुझे लाइक के रूप में बता दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और जय गुरुदेव।